क्या कर दिया मैंने? सादान, आपको सब पता था मामा, सब पता था आपको, लेकिन सब पता होते हुए भी आप खामोशी से मेरा तमाशा देखती रहीं। नहीं नहीं, यकीन करो मैं नहीं जानती थी, और जब मुझे पता चला ना तो मामला हाथ से निकल चुका था। वो मेरा भाई होकर मुझे धोखा देता रहा, मुझे बर्बाद करने का प्लान करता रहा, और मैं उसे अपना हमदर्द समझता रहा। सादान, मैंने उसे वार्न किया था और उसने मुझसे वादा किया था कि वो तुम्हें। मामा, आप ये चंद लफ्ज बोलकर बरी जिम्मा नहीं हो सकती। मैं और अलिशबा आपको सारिन के बारे में बताते रहे, लेकिन हम दोनों आपको गलत लगते थे और सारिन ठीक लगता था। आप हर वक्त यही कहती रही कि भाई है, भाई है, भाई है। अब देख ले भाई ने क्या किया। मैं नहीं चाहती थी कि वो ऐसा बनता। तो कौन चाहता था? कौन जिम्मेदार है सबका? आप है या मैं हूँ? या आज भी आप कहेंगी कि अलिशबा है? बेटा, कभी कभी हम अपने दामन में ऐसे पछतावे जमा कर लेते जिन पर कुड़ने और तड़पने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं रहता। कितना भरोसा किया था अलिशबा ने मुझ पर मामा, कितना भरोसा किया था। और मैंने क्या किया? उस पर इल्जाम लगाया, उसके दामन को दागदार कर दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने भाई की साजिश का शिकार होकर। और वो इस घर में पहले दिन से जबर सहती रही, लेकिन हम अनजान बने रहे। वो कहती रही और हम उसे झुटलाते रहे। अच्छा अच्छा, तुम बैठो तो सही। नहीं बैठना मुझे। बेटा देखो, जो होना था हो गया। अब अगर मैं अलिशबा का सोचूं भी तो उससे क्या हासिल होगा? जो गलती हमसे होनी थी वो तो हो गई ना। गलती नहीं है मामा, ये गुनाह किया है हमने। मासूम की मोहब्बत को पैरों तले रोंद कर ने वो गुनाह किया है कि जिसकी माफी ना यहां मिलेगी और ना ही अगले जहां। काश मैं आपकी बात मानकर पाकिस्तान ना आता, और अगर आ ही गया था तो काश मैंने भाई बनकर सारिम पे भरोसा ना किया। काश मैंने भी उसकी बात ना मानी होती। मैं तो जाना ही नहीं चाहती थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुम्हारे आगे। आने दो उसे, मैं उसे। अरे कैसे आने दो? उसे कह दीजिएगा कि एक कदम भी यहाँ ना रखे, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, मर गया वो मेरे लिए। सादान, सादान छोड़ दे मामा मुझे। सादान।